नमस्कार, शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। बता दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और कोविड काल में तमाम सावधानियों का पालन करते हुए सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शहर की सरकार में हम आपसे जुड़े हर वो जरूरी मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो आपकी जरूरतों से जुड़े हों, और हमारी टीम पहुंचेगी आपके शहर, आपके इलाके में और पड़ताल करेगी कि आपको अपनी शहरी सरकार से क्या चाहिए। शहर की सरकार में आज बात होगी ग्रेटर जयपुर के वार्ड 54 की, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी रहमतुल्ला खान, जो जानेंगे कि क्या है जनता का मूड। आपको सीधे रहमतुल्ला के पास लिए चलते हैं, जो बताएंगे कि वार्ड 54 की जनता की क्या समस्या है, क्या जनता का मूड है और जनता किसे सिर माथे इस बार बैठाएगी। रहमत, शहर की सरकार कार्यक्रम के तहत आज वार्ड संख्या 54 जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में है मौजूद है, उस वार्ड संख्या 54 में पहुंचे हैं। यहां पर भाजपा से प्रवीण कुमार यादव तो वहीं कांग्रेस से उत्तम यादव प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो यहां पर क्या जनता क्या रुख है, जनता की क्या समस्या है, इसको लेकर के आज बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में हम जनता से जुड़ेंगे, जनता का आम पब्लिक यहाँ से हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज यहाँ की क्या समस्या है और किस तरीके से यहाँ के उम्मीदवारों को किस आधार पर चुना जाएगा, यहाँ पर जो उम्मीदवार होगा उसको किस तहत के समर्थन दिया जाएगा ताकि वो पार्षद बनाएंगे, जो पार्षद बनेगा उनसे क्या क्या जनता अपने जो वादे करवाएगी उनसे क्या वादे चाहेंगी। मैं आपसे पास आना चाहता हूँ, आज से पहले लगातार पार्षद रहे हैं, उनकी छोड़ी हुई कोई समस्या बड़ी हो जो आगे आने वाले आपके जो भी उम्मीदवार जिनको आप समर्थन करेंगे उनसे चाहेंगे। एक तो यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है तो उसको हम बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ हुआ नहीं उस पीरियड में, तो हम उसके लिए पुरजोर से कार्रवाई करवाएंगे अगर ये जीत के आते हैं तो। और वैशाली नगर के अंदर सड़कों का अभाव है, वो सड़कें पूरी करवाएंगे और जो भी समस्याएं जनता की है वो समस्याएं हम पूरी करवाएंगे। आप यहाँ पर अनुभवी हैं और कितने पार्षद हैं जो काम कर चुके हैं पहले आपके देखते देखते? बहुत कर चुके हैं साहब, मतलब मैं सन जब से पार्षद अंड चालू ही जब से देख रही हूँ, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं हुआ। बिल्कुल, आप कांग्रेस समर्थित है, क्या कहेंगे, बीजेपी का भी चुनौती है बीजेपी से भी? पिछले जो पार्षद था उसने जो काम थे वो नहीं करा पाया उन काम, उसके अलावा इस इलाके में रोडों की समस्याएं हैं, पानी बिजली की भी समस्याएं हैं, यहाँ हॉस्पिटल है वो छोटा है उसको बड़ा काम उधर कराने की भी समस्याएं हैं, इसके अलावा पार्कों का, कॉलोनी में गेटों का निर्माण, उनकी समस्याएं हैं, ये समस्याएं अभी तक इसको कोई इलाके में हैं जो उनको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे हम। क्यों भाजपा ने काम नहीं किया, भाजपा पिछली सरकार में उन्होंने काम नहीं किया ऐसा आप क्या बताएंगे? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार के वक्त या पिछला जो पार्षद था वो सिर्फ बातें करने में सक्षम। आप ये मुझे बताइए मेन समस्या क्या है वार्ड की? वार्ड की जो सर मुख्य जो समस्या है आज की डेट में, अभी जो कोरोना के पीरियड में जो चल रहा है उसको देखते हुए एक मेजर समस्या है कि यहाँ हॉस्पिटल की जो कमी है ना, वो यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, उसके बावजूद आप वर्कलोड देखो, 4 डॉक्टरों के पीछे 800 पेशेंट का लोड है। अब वो डॉक्टर्स बेचारे परेशान, जगह छोटी पड़ती है, पेशेंटों को लाइन में लगना पड़ता है, मेजर तो हॉस्पिटल एक बहुत बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात हम ये चाहेंगे कि क्योंकि अब ज़माना जो है कम्युनिकेशन टाइप जो आ चुका है, नया वर्जन है, तो हो सके तो नगर निगम जितना अगर हो सके अपने लेटेस्ट ट्रेंड में काम करे, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सब के लिए जो धक्के खाड़े पड़ते हैं लोगों को वो नहीं खाएं। तो हम ये चाहेंगे हमारा जो कैंडिडेट है ये सक्षम है, ये लायक है और ये सब चीज़ यहाँ उपलब्ध कराएगा, हम पूरी उम्मीद करेंगे 100%। रमेश जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं मौजूदा हालात में जो आप अपने उम्मीदवार से चाहेंगे? वार्ड में अभी जो समस्याएं देखने को मिल रही है तो यहाँ एक पार्किंग की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है, महिलाओं के लेके जो आए दिन चैन तोड़ने की घटनाएं हो रही है उनमें महिला सुरक्षा के लिए विशेष काम किए जाए यहाँ पे, और वार्ड में जो गंदगियों का अंबार लगा हुआ है
तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा उम्मीदवार इन सारी समस्याओं से निजात दिला के पार्कों का डेवलपमेंट कराएं, सीसीटीवी कैमरे लगा के आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और पार्किंग की उचित व्यवस्था करवाई जाए। जो पार्क यहाँ हैं उनको डेवलपमेंट करके और घूमने फिरने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाए, तो हम हमारे उम्मीदवार से यही चाहेंगे। और हमारे को पूरा विश्वास है कि हमारा उम्मीदवार लोकल और स्थानीय होने की वजह से इन सारी समस्याओं से ऑलरेडी अवगत है और इन समस्याओं से ये निदान दिलाने के लिए पूरा पूरा सहयोग और कार्य करेंगे। तो हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में जो भी आपके चैनल के माध्यम से, मैं समस्त चौवन वार्ड नंबर के सभी स्थानीय निवासियों को ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आपने, आपके सामने दो उम्मीदवार हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण कुमार यादव है, कांग्रेस पार्टी ने उत्तम यादव पे भरोसा जताया है। तो प्रवीण यादव हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उनका यहाँ लोकल से कोई लेना देना नहीं है और उत्तम यादव यहीं जन्मा हुआ बच्चा है, यहीं का बेटा है, सबके साथ रहा हुआ है, सबके साथ यहीं पढ़ा लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ की हर समस्याओं के बारे में पता है। तो ये सबसे ज़्यादा वोट देने से पहले ये सोचना है कि अपने को स्थानीय उम्मीदवार को चुन के और स्थानीय समस्याओं से निजात के लिए हमारे को हमारा वोट देना है। और कांग्रेस पार्टी को अगर ये वोट देते हैं और उत्तम यादव जीत के आता है तो यहाँ की समस्त समस्याओं से अवगत होने के कारण वो सारी समस्याओं का निजात कराने के अंदर पूरा पूरा प्रयास करेगा। पिछले जो भी कार्यकाल थे उसमें काम तो हुआ होगा कुछ? पिछले कार्यकाल में काम हुआ, पर जो लोगों की एक आकांक्षाएं थी, जिस आधार पे उन्होंने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को और पार्षद चुनके लेके आए थे, उन आकांक्षाओं पे वो पार्षद खरा नहीं उतर पाया। इसी के कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है, लोग काफ़ी नाराज भी है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते थे, वो नहीं करते थे, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतलब रोष है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार लोग अपना वोट काफ़ी सोच समझ कर देंगे और स्थानीय उम्मीदवार को चुनके और उसको प्रतिभागी बनाएंगे कि जिसके तक आदमी की पहुँच हो सके और जो अपनी बात रख के और यहाँ की समस्याओं से निदान दिला सके। फिलहाल तो आपसे उम्मीद, जो भी आप उम्मीदवार चुन रहे हैं, उत्तम यादव जी जो भी है, उनको आपसे उम्मीद है सर, उनकी पूरी करेंगे? उम्मीद इसलिए पूरी करेंगे कि इनका नाम ही इनका उत्तम है, तो इस वार्ड को उत्तम बनाने में ये पूरा वो जोर लगाएंगे। युवाओं के लिए विशेष कुछ करेंगे, क्योंकि जैसे खेलकूद के ग्राउंड है, हम चाहते हैं कि खेलकूद के ग्राउंड ये ठीक करें। जो हमारे एक यहाँ पास में ग्राउंड है, उस ग्राउंड को से लोग मिल सकें। हम चाहते हैं कि जी ये साफ सफाई के मामले में, ये पहले जो पार्षद थे उन्होंने जीरो कर रखा था इस वार्ड को, अब साफ सफाई का जो भारत सरकार भी कह रही है, राजस्थान सरकार भी कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन पार्षद से हम यही आशा करते हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो एक ही कहेंगे, हमारे रमेश जी भाई साहब ने जो बताया वो समस्याएँ पूरी दूर होगी और एक स्थानीय होते हुए उत्तम जी को पार्षद वोट बनाएंगे। जो रमेश जी ने कहा वही सबसे बेस्ट है। नहीं, आप की क्या मन में इच्छा है, समस्या यहाँ की क्या है जो आप देख रहे हैं? समस्या तो एक तो गंदगी है, तो कभी साफ सफाई पर इनमें ध्यान नहीं देते, कभी फ़ोन नहीं उठाते पार्षद साहब, और जब भी जाओ बीजेपी का। मैं कमल जी की बातों से सहमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो उत्तम जी हैं, ये हॉस्पिटल का जो सबसे ज़्यादा नीड है वैशाली में, कि एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें अभी इस चीज़ की नहीं मिल रही है, तो हम सब इस चीज़ पे प्रयास करेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले पार्षद ने काम नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत तो किया होगा ना? देखो, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं किया। बिल्कुल। और जुड़ेंगे युवाओं को लेकर के, किस किन समस्याओं को लेकर के आप अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम हमारे उम्मीदवार से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खेल की अच्छी व्यवस्थाएं हों, खेल का मैदान हो जिससे युवा अपने आपको आगे ला सकें। और मुख्य यहाँ समस्याएं हैं, सड़कें नहीं हैं। आप इस वार्ड को जयपुर जैसा शहर में, ये वार्ड ऐसे लगता है कि ये जयपुर जैसे शहर का वार्ड है ही नहीं, यहाँ बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ गेटें लगवाई थी वो गेटों का अच्छे से संचालन नहीं हो पा रहा है। ये हम उम्मीदवार से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी गेट हैं लगे हुए हैं उनके अच्छे से संचालन हो इस वार्ड के अंदर, सड़कों का अच्छा निर्माण हो। और मुख्य समस्या यहाँ पार्किंग की है, और ये कचरे के वूफर हैं ये नहीं आते हैं, महिलाएं इससे भी बहुत परेशान हैं, कोई कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम हमारे उम्मीदवार से यही उम्मीद करते हैं कि कचरे को उठाने के लिए अच्छी व्यवस्था करवाई जाए, गेटों का अच्छे से संचालन करवाया जाए, और मुख्य जो भी ये विनोबा भावे नगर है इसमें मुख्य रूप से सड़कों का निर्माण करवाया जाए, यही हम हमारे उम्मीदवार से उम्मीद करते हैं। आप क्या बताएंगे? हमारे उत्तम भाई यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं, पिछले पार्षद जनता के बीच नहीं रहे,
ये शिकायत हमारे उत्तम भाई से आपको कभी नहीं मिलेगी, और जितना वो लोकल समस्या को समझते हैं इतना भारी व्यक्ति नहीं समझ पाए। अभी उनको उम्मीद आपसे कैसे उम्मीद पूरी करेंगे, अभी 10 दिन है, 8 दिन बचे हैं। वो तो हम बूथ को मजबूत करेंगे, युवा टीम को एकजुट करेंगे, उनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, पूरा उतरेंगे। उत्तम जी आपके पास आना चाहेंगे, तमाम जनता की उम्मीद है, अभी तो उम्मीद इन आपको इनसे है, बाद में आपसे इनको उम्मीद होगी, कैसे इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, तमाम जन समस्या है। देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे यहाँ से टिकट दिया, और मैं जिस तरह से सभी लोग आप यहाँ के जनता के गणमान्य लोग कह रहे हैं इनकी समस्याएं, मैं इनसे ऑलरेडी अवगत हूँ पहले से, क्योंकि मेरा वार्ड एक मेरे परिवार की तरह है और परिवार का मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आज सबसे बड़ी समस्या है, जैसे जिस तरह से बताई कि एक हॉस्पिटल की बहुत बड़ी यहाँ कमी है हमारे, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे पूरा कि उस समस्या से कैसे भी निजात पाया जाए। दूसरी, एक रोडों पे कहीं भी जाओ पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं है, तो इस व्यवस्था को भी हम तरीके से जो भी जिस तरह से सुचारू रूप से सुनिश्चित करेंगे। तो और अपनी रोडें वगैरह, जैसे काफ़ी 10 साल हो गई, 10 साल से रोडों का कोई निर्माण वगैरह कुछ नहीं हुआ, रोडें टूट गई, हर जगह टूटी हुई है, सभी कॉलोनी में लगभग ये समस्या है, रोड की तो एक मुख्य समस्या हो रही है रोड के अंदर, तो उनके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे और उस काम को करेंगे, हम नई रोडों का निर्माण करेंगे और साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हर जगह डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं, इन वजह से जनता जो भी यहाँ की हमारी जनता है ये बहुत परेशान है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए आज अगर ये मुझे मजबूत करते हैं, मैं पार्षद बन के आता हूँ, तो सभी समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेट के अंदर हमारी गवर्नमेंट है, उसका भी एक थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि भाई ठीक है, इजीली हम इस काम को कर सकते हैं। एक चुनौती ये भी आएगी, पहले यहाँ पर बीजेपी के पार्षद थे, अब आप कांग्रेस से हैं, आपके सामने चुनौती भी होगी, क्योंकि वो जमाया हुआ वार्ड बीजेपी का है। सर, इसमें कोई भी चुनौती नहीं है, जनता सब समझती है, आज जनता जागरूक है, तो वो काम को देखती है, आज उनको पता है कि काम किस गवर्नमेंट में हो रहा है। आज 2 साल हो गई हमारी गवर्नमेंट को आए हुए, तो 2 साल में जितना काम हुआ है जितना 10 साल के अंदर नहीं हुआ है, जब यहाँ हमारे यहाँ की बता रहा हूँ आपको, 10 साल में हमारी झोटवाड़ा विधानसभा की बता रहा हूँ, कि यहाँ पे 10 साल से बीजेपी का MLA रहा, और हमेशा एक बार पार्षद भी मान लो बीजेपी के रहा, और आज 2 साल के अंदर पृथ्वीराज नगर में हमारे कम से कम 500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट, पेयजल प्रोजेक्ट आया हमारे सिर्फ 2 साल के अंदर। इसके अलावा कई रोडों का निर्माण हो भी चुका है और चल भी रहा है काम। अब जिस तरह से मैं चुन के आऊँगा तो और भी यहाँ पे गति मतलब तेज़ करेंगे उसको काम को। पानी की समस्या है जो? सर, पानी की समस्या के लिए तो बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट अभी हमारी गवर्नमेंट ने आप पास किया है जो बिसलपुर का, तो ये एक समस्या का समाधान ही है, तो हर गली हर कॉलोनी तक हम इस गली नालों में गंदगी है, सफाई सर उसकी बिल्कुल सफाई करेंगे, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी एक समस्या है कि डोर टू डोर जैसे गाड़ियाँ वगैरह आती है वो आ नहीं पा रही है प्रॉपर रूप से, तो इस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान रखा गया है। पिछले कार्यकाल में ऐसा कोई बड़ा मेजर काम जो छोड़ा गया हो और वो अभी बाकी रह गया, वो आप करना चाहेंगे? सर, मेजर तो ऐसे कि सभी काम लगभग मान लो कुछ काम तो हुआ ही नहीं उनका, बाकी मेजर काम जैसे हॉस्पिटल से रिलेटिव है, एक हॉस्पिटल की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह ये कोरोना के कारण काल के अंदर काफ़ी वो समस्या उठानी पड़ी लोगों को, व्यवस्था नहीं बैठी, कई लोग मतलब जा भी नहीं पाए हॉस्पिटल में इस तरह की सर, और एक महिला सुरक्षा को लेकर भी हमारा एक विशेष वो रहेगा कि हम महिला की सुरक्षा का ध्यान रखें। और पहले यहाँ पर किस जो अस्पताल की सुविधाएं हैं वो कहाँ तक की है? पहले के जो पार्षद वो भी यहीं के थे। अभी अस्पताल की सुविधाएं क्या है यहाँ पर? अभी अस्पताल की सुविधाएं लगभग सारी ही है, और जो भी होगी अब हम ये उम्मीद करते हैं। आप बताना चाहेंगे कुछ? इसको हम आदर्श वार्ड साबित करेंगे। यहाँ पहले जो सुविधाओं के नाम पे, चिकित्सा सुविधा के नाम से केवल एक राजकीय क्लिनिक है जो भी अभावग्रस्त है, जिसमें भी टाइम टू टाइम लोग डॉक्टर्स बैठते नहीं है, और जितनी वार्ड की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से बहुत ही कम सुविधाएं हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, बट वो काफ़ी महंगे और खर्चीले हैं, तो हम ये चाहेंगे कि चिकित्सा की गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ आम लोगों को और गरीब लोगों को, जो गरीब तबका है उनको भी अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हो पाएँ। महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए यहाँ बीट अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, और जो महिला अपराधों में कमी लाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कराया जाए, और आम लोगों से जुड़ के, और जिस प्रकार हम वोट मांग रहे हैं आज उत्तम यादव के लिए, हम अपेक्षा यही करते हैं कि आगे चल के ये हमारे पार्षद चुन के आते हैं, तो इसी प्रकार डोर टू डोर जाके
और हर आदमी से मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण करें, यही हमारी कोशिश रहेगी। पहले की जो पानी को लेकर के क्या सुविधाएं यहाँ फिलहाल? यहाँ पानी को लेकर पहले सुविधाएं बिसलपुर का पानी आ रहा है, पर वो अभी जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई है या कई कॉलोनियाँ हैं जो अभी बाकी है पेयजल से छुट्टी हुई है बिसलपुर परियोजना से, तो हम ये चाहेंगे कि उन कॉलोनियों को भी बिसलपुर परियोजना से जोड़ के और पानी उचित मात्रा में सबको मिल पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी। यानी यहाँ की जो समस्याएं हैं पानी और सड़क अस्पताल, इन समस्याओं को लेकर के लगातार ये कोशिश में है, और किस तरीके से इस समस्याओं पर पूरा किया जा सके, इन जो कामों को अंजाम दिया जा सके। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के और यहाँ की विधायक है वो भी कांग्रेस के हैं, और अभी जो पार्षद है इनको ये उम्मीद है कि कांग्रेस के पार्षद बने का आम जनता को राहत मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कौन पार्षद बने जाएंगी, किस पार्टी का पार्षद होगा, ये किनको यहाँ की जनता किसको समर्थन करती है। आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ आप आपकी नज़रों में समस्याएं हैं? समस्याएं यहाँ पे अधिकांश जो मंदिर है उनको भी देख रेख में पार्कों के जो है पार्कों में उनमें भी कोई देख रेख नहीं हो रहा है, और रात को गश्त प्रॉपर में नहीं हो पाती है, और डेवलपमेंट के नाम पर जीरो था, अब उसको थोड़ा थोड़ा उभारा जा रहा है दो साल से, और आगे जा कर के पार्षद से उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे, ये हमें उम्मीद है युवाओं के लिए काफ़ी काम कर पाएंगे ये लोग। पानी सड़कें कहाँ की टूटी हुई है? सड़कें गलियों में सब टूटी पड़ी, कॉलोनियों की नालों की सफाई विनोबा नगर तो पूरा गंदा पड़ा है, नाली नहीं है, नाली वगैरह सब विनोबा नगर में नालियाँ नहीं है और रोड सारी टूटी हुई है और सारी समस्या है यहाँ पे। आपने पहले कभी पार्षद से, जो भी पार्षद यहाँ के गुजर उनसे मिलने का आपने कोशिश की क्या? हाँ करी जी, बस कोशिश साफ कहीं को नहीं हो, कोई निवारण नहीं निकला। यहाँ पर आप कितने टाइम से हैं? हम तो यहाँ से ही जन्मे हैं, यहाँ पर आपको कितने आपके नज़रों में आपके आंखों के सामने पार्षद बनकर आए? साहब पार्षद तो क्या गिनाऊँ, अब याद नहीं मेरे को पूरा, तो लेकिन पार्षद आए हैं। कभी आपने मांग, आपने कौन सी किसी पार्षद के सामने मांग रखी जो आज दिन तक पूरी नहीं हुई? हरीश से लेकर जितने भी पार्षद बने हैं सबसे मांग रखी है, लेकिन कोई निवारण नहीं निकला आज तक। किस समस्या की मांग रखी आपने? नाली की, विनोबा नगर में रोडें में पानी का बढ़ाव है, सारों में सारा पानी है जो घरों का रोडों पे आता है, तो उसमें कीचड़ मचा रहता है। यूथ को लेकर के किस प्रकार की वार्ड की समस्या है? सर यूथ को लेके तो ये है कि एजुकेशन को लेके थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्कूलों का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा चेंज हो, है ना। इसे मेरे पार्षद उत्तम जी से चाहूँगा कि स्कूलों का थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा सा और बेहतर हो। और सर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये जो सर्किलों को जो तोड़ा गया है उससे भी काफ़ी लापरवाही आजकल हाथ से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं अपने सर्किल वाली बात कहाँ तक देख बताइए, सर्किल में क्या क्या कुछ समस्या है सर्किल को लेकर? सर सर्किल जिस तरह से तोड़ा गया बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, तो पहले जब सर्किल थे यहाँ पे तो उस समय क्या प्रॉपर रूप से गाड़ियाँ चलती थी, एक धीरे तरीके से रुक जाती, अब क्या एक बत्ती बन गई। लेकिन ठीक है सर, लोग क्या लापरवाही बहुत ज़्यादा हो गए, कई बार बिना देखे गाड़ी ले जाते हैं इस तरीके से, तो लापरवाही होने के कारण ये काफ़ी हादसे हो रहे हैं यहाँ पे। सर्किल का क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? सर्किल का हम डेवलपमेंट ये चाहते हैं भाई, जो सर्किल पहले थे उससे आवागमन काफ़ी सुचारू रूप से था और एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफ़ी कम होती थी। जब से ये सर्किल टूटे हैं एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ पे लोड भी काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आए दिन जाम लगता है। तो जो सर्किल पहले बनाए हुए थे उसके तहत यातायात की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से थी, तो हम ये चाहते हैं कि दोबारा से उन सर्किलों का छोटे रूप में भी निर्माण होके और सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चल सके, उसके लिए हम चाहेंगे भाई इसमें भी कोई प्रयास किए जाए। प्रकार के सर्किल होने चाहिए, गोल सर्किल होने चाहिए जिस प्रकार के पहले सर्किल थे यहाँ पे, पहले बड़े थे कंजेस्टेड एरिया बन जाता। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा छोटे रूप में उस सर्किलों का निर्माण किया जाए और सौंदर्यीकरण किया जाए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी ये जरूरी है कि आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं उनको भी उसका फायदा मिल सके, यातायात में आवागमन में भी सुविधा हो सके। इसको लेकर के आप पहले कभी किसी से बातचीत की सर्किल को लेकर के? पहले बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे जब इन सर्किलों को तोड़ा गया उसका भी हमने काफ़ी विरोध किया था, पर सरकार होने के कारण हमारी कोई ऊपर सुनवाई नहीं हुई और उस सर्किलों को सबको तोड़ के हटा दिया गया रातों रात ही, जिसमें काफ़ी लोगों में आक्रोश भी था, लोगों ने बहुत विरोध भी किया था, धरना प्रदर्शन भी किए थे, पर उनकी कोई जनसुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राज्य में सरकार है पार्टी की, तो अब जो पार्षद चुन के आए वो अपने कोऑर्डिनेशन के अनुसार
इन सर्किलों का दोबारा पुनः निर्माण करवा के यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाने में। भाजपा के कार्यकाल में जो सर्किल तोड़े गए थे, ये बड़ी मेजर समस्या, और कोई मेजर समस्या यहाँ की? यहाँ मेजर समस्या में तो एक सबसे बड़ी ये है कि ये जयपुर शहर का सौंदर्यकरण के हिसाब से हेरिटेज सिटीज को कहा जाता है, ग्रेटर जयपुर में ये क्षेत्र आता है। तो हम ये चाहते हैं कि साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था हो, गंदगी के जगह जगह डंपिंग यार्ड बने हुए हैं, उन डंपिंग यार्डों की यहाँ से हटा के बाहर ले जाया जाए, और टाइम टू टाइम कचरा उठाने की व्यवस्थाएँ हों, सीसीटीवी कैमरे लग के सुरक्षा की दृष्टि से वो आए दिन चैन तोड़ने की जो घटनाएँ होती हैं उन पर रोक लगाई जाए, और बीट अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे के और इस वार्ड को एक उत्तम से सर्वोत्तम वार्ड बनाने की जो प्रयास है और हमारी आकांक्षाएं हैं उन पे खरा उतरे। उत्तम जी, उत्तम वार्ड बनाना है और उसके लिए महिला सुरक्षा, सर्किल की समस्याएं, पानी की समस्याएं, अस्पताल की समस्याएं, इन सब को निपटने के लिए क्या आप क्या करेंगे? सर, इन सब को निपटने के लिए मैं जितना हो सके उतना प्रयास करूंगा और मैं इनको निदान करूंगा इनका पूरा। कैसे सर्किल? जिस तरीके से हमारी आज स्टेट के अंदर हमारी सरकार है, और सरकार आज हमारी सरकार का मैं पार्षद बन के आता हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान रहता है कि मैं यहाँ की जितनी भी समस्या होगा उनका निदान करूँ। आप कैसे जीतेंगे यहाँ से? आपको क्या उम्मीद है, कैसे जीतेंगे, किन किन का समर्थन है? सर, मैं यहाँ का एक तो सबसे स्थानीय हूँ, और यहाँ की जो भी जनता है वो लगभग मुझे सब मेरे परिवार की तरह है। मेरा वार्ड एक परिवार है और मैं हर आदमी हर व्यक्ति से जुड़ा हूँ। कैसे जीतेंगे? आप अनुभवी है। वो तो सर पिछले बार उन्होंने कुछ काम किया नहीं, तो अब जनता में आक्रोश है। हमने 5 साल तक इनको देखा लेकिन कोई डेवलपमेंट इन्होंने करवाया नहीं। हर चीज़ों की कमी है, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, सर्किलों पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो अब जब जनता में आक्रोश है तो चेंजिंग का भाव सब में आता है, इसलिए इनसे उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस सरकार ने आज तक जितना भी डेवलप करवाया शायद किसी सरकार ने नहीं करवाया है। हमारी अपेक्षा इनसे बहुत है और ये खरे उतरेंगे अपेक्षा के अंदर। जनता के अंदर यही भावना है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके विजय बनाएं और हमारी समस्याओं से निजात दिलाएं। क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कह रहे हैं? सर, ये जितनी भी समस्या है इनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँगा और इन समस्याओं का निदान करूँगा और इसके लिए मैं हमेशा तैयार। सर, आपके पास आना चाहूँगा, उससे पहले आप क्या बताना चाहेंगे? हम ये हमारे उम्मीदवार से उम्मीद करते हैं कि इनकी राजस्थान गवर्नमेंट है तो इनके हमारे जो MLA साहब हैं और वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं, तो हम हमारे उम्मीदवार से ये उम्मीद करते हैं कि ये उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकते हैं। यहाँ बहुत आवश्यकता है काम की, और सरकार होने के नाते ये उनसे ये चीज़ें मांग सकते हैं। अगर कोई और हम हमारे उम्मीदवार को जिताने के लिए हम सभी कार्यकर्ता हमारे बूथ को मजबूत करेंगे और इनकी जीत हमारी जीत है। युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए क्या समस्या है यहाँ पर? युवा और स्टूडेंटों के लिए खेलकूद की उत्तम व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हमारे जो पार्क बने, ये खेल मैदान बना हुआ है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत सी आवश्यकताएँ हैं जिनको ये पूरा कर सकते हैं। युवाओं के लिए मैं चाहूँगा कि हमारी जो राजस्थान सरकार है, जिसमें हमारे यहाँ से MLA जीते हुए लालचंद जी कटारिया जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, तो यहाँ युवाओं के लिए एक तो खेलकूद की उचित व्यवस्था करवाने में वो मदद करें, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल की जो कमी है इस क्षेत्र के अंदर, सरकारी स्कूल की जो कमी है, सरकारी स्कूलों को कर्मोन्नत करके और उनके विकास पर, उनके डेवलपमेंट पर जोर दिया जाए, और युवाओं को नौकरी के लिए और खेल के प्रति जागरूक करके और आगे बढ़ाया जाए। तो ये थी यहाँ के वार्ड संख्या 54 की समस्याओं के बारे में हमने बातचीत की है यहाँ के स्थानीय लोगों से। अब आगे मिलेंगे शहर की सरकार कार्यक्रम के तहत किसी और वार्ड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।